कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में काल बनकर साबित हुआ है। दुनिया के लगभग 186 देश इससे ग्रसित है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में भी लगातार कोरोना वायरस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, इसका वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंस है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। उसी के साथ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नई नज़ीर, एक नई पहल शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मुरादाबाद के जो कोतवाली क्षेत्र है उसके मछली बाज़ार में हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ क्षेत्रवासियों ने पहल की है। समस्त क्षेत्रवासी मुरादाबाद प्रशासन के साथ हैं। हम सब क्षेत्रवासी प्रधानमंत्री जी की अपील के साथ हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए, बाहर के लोगों का बस्ती मनाए। ये बहुत अच्छी पहल है कि बाहर के लोग बस्ती में ना आए, बस्ती में नहीं आएंगे तो सोशल डिस्टेंस लगातार रहेगा। ये देखिए, ये खास तस्वीर है 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रात को 9 बजे से अपील की थी कि समस्त देशवासी अपने घरों में लाइट बंद करने के बाद घर में उजाला करेंगे, सो लाइट जलाएंगे, मोबाइल की लाइट जलाएंगे, दीप जलाएंगे, और उससे एक तरह से समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्यकर्मी जो इस कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं मनोबल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये समस्त क्षेत्रवासी मुरादाबाद प्रशासन के साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी हैं। कहाँ से आपके पास ये आइडिया आया है, किस तरह से आपने इसे शुरुआत की है? देखिए, ये हमारे जो प्रधानमंत्री ने आज सुबह जो संबोधित किया था देश को, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों के पास ये आइडिया आया। और दूसरी बात ये है कि इतनी मेहनत करा है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी हमारे डॉक्टर्स, हमारी फ़ौज, हमारे प्रशासन, सब लोग हमारी जान के लिए लगे हुए हैं बचाने के लिए। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ में चल के शाना से बचाना, उनके साथ में चलें और उनके साथ में हर वक्त लगे रहें। और हमारे मोहल्ले वालों ने इस बात का बड़ा अच्छा सबूत दिया। हमने सारे ही रास्ते लॉक कर दिए इस वजह से कि ना जाने तो जहाँ है, क्योंकि डिस्टेंस बना के रखेंगे तो सारी बीमारी दूर रहेंगे। और लोगों से भी इस बात को अपील करते हैं, बराबर के मोहल्ले वाले हैं या हमारे शहर वाले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश वाले हैं, सभी से इस बात की रखेंगे, सारे लोग इसी के यही पहल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, अपनी जान बचाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, तभी समस्त क्षेत्रवासी मुरादाबाद प्रशासन के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी हमारा बहुत साथ दे रहा है इसमें, हम लोगों का सबको ख्याल कर रहा है। वो हमसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी इशू कराया 112 पर, आप कॉल करके कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। ये जो कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी के चलते क्षेत्रवासी प्रशासन के साथ है और प्रशासन भी लगातार इनके साथ है, इनका ये कहना है जान है तो जहान है का अच्छा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो अच्छा ये फैसला लिया है, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में इटली जो है दूसरे नंबर में मेडिकल पे है और हमारा देश कहीं 112वें नंबर पे है, ये फैसला हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने बचाने का पूरे हिंदुस्तान को काम किया है और वो बधाई के पात्र हैं और जनता उस पर अमल करेगी और कर रही है और जैसा उनका फैसला होगा उसको मानेंगे इस फैसले को होंगे। जी गानिब भाई, आप एक सोशल वर्कर हैं, लगातार पूरे मुरादाबाद के अलावा और क्षेत्रों में भी घूमते हैं, किस तरह की नज़ीर दिख रही है आपको ये पहल? देखिए, यहाँ मुरादाबाद से जो मैसेज निकला है, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक नज़ीर है कि थाना कोतवाली क्षेत्र से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहल्ला भी कहलाता है और उर्फ कायम की बेरियाँ मछली बाज़ार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ये पहल पूरे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है कि सोशल डिस्टेंस हमें रखना ज़रूरी है, जान है तो जहान है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आज जब अमेरिका जैसा देश अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो हम तो फिर भी बहुत नीचे के हैं। हम लोग बहुत अच्छा उससे बचाव कर सकता है अगर हम नियमों का पालन करें। मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि सब लोग इसको फॉलो करें। प्रधानमंत्री जी के जो भी दिशा निर्देश हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रदेश के नियम हैं, उनको हमें फॉलो करना है। ये विपत्ता किसी की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। ये जंग जीतने में हर एक व्यक्ति का योगदान है और मुझे यकीन भरोसा है कि जो जागरूक लोगों ने जागरूकता का काम किया है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर क्षेत्र तक मैसेज पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ हमारे देशवासियों को मिलेगा। आप क्षेत्रवासी हैं, आपने पूरे मोहल्ले ने एक अच्छी पहल की है, बाहर के लोगों का बस्ती में आना मना है, क्या कहेंगे?
बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए, अपने अपने यहाँ रहना चाहिए। इससे सबका लोगों का फ़ायदा है, इससे अच्छे एक अच्छा मैसेज जाएगा मुरादाबाद से। अगर अच्छा मैसेज जाएगा तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज होगा और पूरी दुनिया के लिए मैसेज होगा। हमें अब एक ऐसे रहना है और एक ही दिखाना है। जी बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज आप लोगों ने क्षेत्रवासियों ने दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहलाया जाता है मोहल्ला, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये मोहल्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कायम की बेरियाँ कहलाता है और मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ। मैं अपने बस्ती वालों की तरफ से, हम पूरी बस्ती वालों ने ये पहल की है जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है सुबह न्यूज़ पर आके 9 बजे की जो अपील थी, आज न्यूज़ थी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि अपने घर में ही रहना है और रात के 9 बजे अपने घरों में रहना है, ब्लैकआउट करना है, लाइट ऑफ करनी है और बालकोनी में आके 9 मिनट तक अपनी टॉर्च या दिया घर में जलाएं, सब साथ एक साथ हों, समस्त भारतवासी एक साथ रहें और ये पालन हमें करना है जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपील की है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सारे देशवासी इस अपील की प्रेरणा करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से जो क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी फैसले ले रहे हैं वो देश हित में, और कहीं ना कहीं जो मुरादाबाद के इधर मछली बाज़ार से जो पहल की है वो कहीं ना कहीं मुरादाबाद के लिए एक अच्छी नज़ीर बनेगी और ज़्यादातर लोग इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।